कि सब का कोई ना कोई हुंदा कि मेरे लिए किसी का कोई फर्ज नहीं रहा सीगा कि मैं इन्नी अनाथ हो गई माँ बाप ले भी भैन भरावान भी भी सब का किया पर एंड टाइम पर कोई नहीं साथ दिता मैडम किसी का भी ने मेरी भाभी ने मेरे तो यह दोष तक लाए कि मैं धंधा करन जांदी मैनू कहंदे हुंदे सी बा नहीं मेरे लिए वर्ड्स यूज करते हुंदे सी बा नहीं और मेरी जठाणी ना मैडम मैनू चू बोलती हुंदी सीगी ते मेरी जठाणी जब मैनू कुटदी मारदी हुंदी सी ना मेरी आ अंगूठे का जिहड़ा नेल है मेरी जठाणी चब गई सी इहनू मेरी सस ने मैनू बहुत औखा चढ़ाया उहदे तो बाल पुट्टणे तो मैनू कुट्टण मारन लई ना तलवार लैके मेरे पिछे दौड़दी हुंदी सी तलवार रखी हुई सीगी और उन्हें तेज कराई सीगी कहिंदी सी मैं इस चूहे नू मार देना मैनू इदां मारदे हुंदे सी ना जिहड़े सहुरे परिवार विच जदों मैं व्याही व्याही गई हाँ जिहड़े जिन्हां नाल आपां डंगर बन्नदे आ उन्हां नाल बन्न के मैनू कुट्टदे हुंदे सीगे संगलां नाल पूरा परिवार कुट्टदा सी पूरा परिवार मेरे हसबैंड दा साथ दिंदे हुंदे सीगे कि इहनू मार इहनू कढ इत्थों इहनू राशन ना लिया के दे इहनू भुखे रख कोई टाइम इदा आ गया सी मेरे भरा ने मेरे बेटे के सिर ते गन रख ली सी आपदे सगे भरा ने सगे भरा ने कि मैं रोव तो किदे कोले बह के रोव मैं ना जब जानी है मैं अपनी माँ कोले तक बह के नहीं रो सकती नाल दी नाल भाभी कन ला के खड़ जूगी मैं अज इन्नी मतलब कि अंदरों भरी बैठी हाँ कि मेरा भी कोई अपना हुंदा जिहदे गल लग के मैं रो लैंदी रातां नूं मैं रब दी फोटो नूं ला के ना गल मैं रब नूं याद कर करके रोनी हैगी रब्बा कि कोई इहो जिहा होवे कि जिहदे कोले मैं भी रो सकां बच्चिआं कोले रोनी फिर बच्चे अगों कहिंदे आ कि ना मम्मा जे तुसीं रोंदे साडे दिल नूं कुछ हुंदा है मैं असीं 1700 रुपया देना सी राशन वाले का और राशन वाले ने मैडम मैनू पुछ के देखो अद्धी रात मैं अपने बेटे नूं लभदी लभदी गली च चली गई उन्हें मिला तो मेरी एक्टिवा की चाबी लाई एक्टिवा की चाबी ला के मैनू कहिंदा आ जा आ जा दुकान पर आ जा मैं दुकान पर चली गई तीन जने से दुकान पर एक मुंडा लड्डू उन्हें कैमरा ऑफ करता उन्हें मेरे मुँह ते वट वट के थप्पड़ मारे मैं जिवें सीधी खड़ी सी ढिड च लत्त मारी मुक्के मारे सिर च जिस तो बाद मैं 2 दिन हॉस्पिटल एडमिट रही नर्स आई उन्हें आके ना मेरे मुँह ते चटक देने थप्पड़ मारिया नर्स ने आके मेरे कि मैं मेरी अख लग गई पर अज भी मेरी उंगल ना आटा गुंदे हुए जब मैं आटा गुंदी हाँ एदा मुड़दा नहीं हाँ हाथ मेरा और मैं उस टाइम अंदरों मेरे बदुआ निकल दी कि मैं तो आप कमा के खा रही सी 1700 रुपये ही 10,000 रुपये जो मैं हौली हौली करके देता सी मैं 1700 रुपये भी दे देना सी जे जेल च भी बंदे नाल थोड़ा वधिया व्यवहार हुंदा आ पर उत्थे दा मेरे नाल उस तो भी बुरा व्यवहार हुंदा सी सोचदी हाँ ना मेरे लूह कंडे खड़े हो जाते आ कि हाए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हाँ मैं कुटमार नहीं हूँ बर्दाश्त कर सकती तो एक वक्त यहोजा भी आता है जदों इन्हों का हसबेंड इन्हों सामने नशा करता है इन्हों सामने टीके लगा तो इतों तक कहता है कि जेकर तू मैं नशा नहीं कर दिता तो मैं मर जूँगा गोलियां होंगे वो खाते हो मैंने जेबा चो कड़ियाँ काफ़ी बार भुक्की मैं इन्हें काफ़ी बार फड़ी है कदे कूलर पिछों कदे सिलेंडर पिछों कदे बाथरूम में लुकोई होंगी सी हरेक जगह पर मैं इन्हें मतलब कि नशे वाली चीज़ा फड़निया शुरू करतीं जी मैं प्रैगनेंट होने के बावजूद PGI के हॉस्पिटल इन्हों मैं एडमिट करवाया लिया के मैं इन्हों कहती हूँ सी कि थोड़ी दवाई मैं कितों लैके आवा इन्हों की फैमिली नू फोन करना कि भी इदा इदा ताडा मुंडा एडमिट है इन्हू नशे छड़ाओ केंद्र में एडमिट करवाया हो कर दो उन्होंने अगर रिप्लाई होंगे सी इत्थे लाया इत्थे लिया के चढ़ावे उत्थे नहीं असं पैसे भेज दे कोई भी वो तो सगो मेरे उत्ते मतलब कि इल्जाम लाते सके कि पता नहीं किड़ा इनू नशा होर कर लाता कि जब मैं इन्हों टीके लाते हुए देख लिया उस तो बाद मैं हरेक सामने लाया जो तुम देख लिया लगा मैं एक बार तो इन्हों जिमें असं किसी के घर गए हुए थे एवं पिछे जंगल बनया हुआ सी काफ़ी उत्ते ना मेरी मतलब कि दराणी की बेटी है रैलेटिवस के घर गए हुए थे असं उन्हों की छत के उत्ते ना थले खड़ के असं देख रहे थे कहते चाची अज उपर चलते हैं
पिछे बहुत मतलब कि खेत खूत बड़े सोहने सोहने हैं। मैं क्या चल बेटा चलते हैं, जो मैं देखा ना मतलब कि ये पिछे बैठे तो कौली में पानी लिया हो इंजैक्शन है फड़िया होया लाइटर इन्हें हाथ च वो ना उन्होंने गर्म करके तो इन्होंने पानी की सरिंज भर के जो लाण लगे ना बस उस टाइम ही मेरी अखा अगे नेरा आ गया। मैं क्या मैं तो इन्होंने बचाने की कोशिश कर रही हूँ तो यह तो मौत में खुद गल ला। जो ट्रीटमेंट चलता पिया नशा छड़ाऊ केंद्र तो बाद उदों देखा उस तो बाद देखा उस बाद देखा फिर इन्होंने मैं कोई टाइम से साढ़े को आटा नहीं हुंदा सी। मैं अपने बच्चे गुरुद्वारे मंदिर लजा लजा पाल ले पर किसी के घर रोटी नहीं मंगने गए से कि कोई साडा अपना नहीं हैगा कि असी कह दिए कि साडा कोई अपना है ना। सारे मर गए जोंदे जी सारे खत्म ने। सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल जसप्रीत। अज तुहानूं गुरप्रीत कौर की कहानी सुनाउण जा रहा। गुरप्रीत का जदों विआह हुंदा आ तां गुरप्रीत नूं इह बिल्कुल भी पता नहीं हुंदा कि उसका पति नशे करता है, चिट्टा लैंदा। जदों गुरप्रीत का विआह हुंदा तां उसनूं साल के बाद पता लगन लगता है कि उसका पति जिहड़ा हौली हौली साल दे विच विच हौली हौली कुछ ना कुछ सामने आउण लग जांदा ते हौली हौली पता लगन लग पैंदा ते कि उन्हां दा जिहड़ा हसबेंड आ उह चिट्टा लैंदे ने, उह नशा करदे ने। ते एक वक्त इहो जिहा वी आउंदा है जदों इहनां दा हसबेंड इहनां दे सामने नशा करदा है, इहनां दे सामने टीके लगाउंदा है ते इत्थों तक कहिंदा कि जेकर तूं मैनूं नशा नहीं करन दित्ता तां मैं मर जूंगा। सहुरा परिवार गुरप्रीत नूं इही वेट कर रहा कि गुरप्रीत कदों घर छड्ड के जांदी है। थक हार के गुरप्रीत जदों घर छड्ड के अपने पेके परिवार जाती है तो उत्थे भी गुरप्रीत नूं सहारा नहीं मिलता। फिर गुरप्रीत उत्थों छड्ड के हिम्मत करती है, अज एक टी स्टॉल चला रही है, उत्थे खाना भी प्रोवाइड करती है लोगों नूं, इदां अपना ढिड जिहड़ा हैगा उह पाल रही है। दो बच्चे ने, सिंगल मदर है। गलबात करांगे, पूरी कहानी उन्होंने जुबानी सुन दिया। मैम बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल मैम। मैम कदों विआह हुंदा है, कदों ये सारिया गल्लां शुरू हुंदियां ते कदों पता लगन लग जांदा कि तुहाडा हसबेंड जिहड़ा है वह नशा करता है? 2011 10 जुलाई में मेरी मैरिज होंदी है। मतलब कि देखने आई मैं विआह के लै जाते ने चुन्नी चढ़ा के, कोई मतलब कि लावा नहीं कुछ, कोई फेरा ही नहीं, बस इदा गुरुद्वारे मत्था टका के मैं लै जाते ने। उस तो बाद की कहते मेरे हसबेंड नूं मैं एक हफ्ते बाद ही जिहड़ी निमोटोल दी गोलियां हुंदियां खाते मैं इन्हां दी जेबां चों कढ़ियां काफ़ी बार, भुक्की मैं इन्हां दी काफ़ी बार फड़ी आ, कदे कूलर पिछों कदे सिलेंडर पिछों कदे बाथरूम विच लुकोई हुंदी सीगी, हरेक जगह ते मैं इन्हां दी मतलब कि नशे वालियां चीज़ां फड़नियां शुरू करतीयां। मतलब कि मैं फड़दी भी नहीं सी, मेरा कुदरती मैनूं मेरा हाथ उत्थे पहुँच जांदा सीगा कि अपने आप ही सामने आ जांदी सीगी। फिर उस तो बाद मैं इन्हों नशा छडाने वास्ते PGI की 32 की हरेक जगह पर एडमिट करवाया। उस तो बाद इन्होंने की किया, इन्हों की फैमिली तो चाहते सी जमीन जायदाद वाले ने, चंगी फैमिली बिलोंग करते जट जमींदार ने, बट उन्हों की फैमिली जी उन्हों की मेरी दराणी जठाणी सगिया वो ये चाहदियाँ सगिया कि हाँ असी यदि जमीन हथियाइए। हौली हौली मैं कहें होंगे सी तू जाना कदों आ, तू पेके चली जाए, इन्हें नशा नहीं छड़ना। मैं हौली हौली अपने घर इतने मम्मी होना को आई, मैं इन्होंने कदे नहीं दसिया कि मम्मी इदा नशा करते ने। अच्छा, जो तुम्हें यह पता लगता तो परिवार वाले ये कहते कि नशा करता तू छड़ दे, नहीं कहते यदा नशा छड़वा ना? मैं खुद अपने उत्ते खुद अपने सिर उत्ते लेके जब मेरा बड़ा बेटा होने वाला सी, मैं प्रैगनेंट होने के बावजूद PGI दे हॉस्पिटल इन्हों मैं एडमिट करवाया लिया के, ते ईवन कि मैं इन्हां दी एक टाइम दी जिहड़ी डोज हुंदी सीगी ना, मतलब कि जिहड़ी एक गोली 75 रुपए दी ओह हुंदी सीगी एक गोली, उस टाइम च 75 रुपए भी बहुत हुंदे सीगे, ओह भी मेरे कोल हुंदे नहीं सीगे कि मैं भुखे रह के प्रैगनेंट होण दे बावजूद। मैं इन्हां नूं कहिंदी हुंदी सीगी कि तुहाडी दवाई मैं कित्थों लै के आवां, इन्हां दी फैमिली नूं फोन करना कि भई इदां इदां तुहाडा मुंडा एडमिट है, इहनूं नशे छड़ाओ केंद्र विच एडमिट करवाया होया तां तुसीं ओह कर दो। उहनां दा अगर रिप्लाई हुंदा सी इत्थे लै आ, इत्थे लिया के छड़ावांगे, उत्थे नहीं असी पैसे भेजदे कोई भी। फिर इत्थे आ कई बार कई हॉस्पिटल च कई बार कोई इदा दा हुंदा सी जिवें कहिंदे ना एक रब दा रूप बन के कोई इंसान सामने आंदा हुंदा सीगा। मैं रो रो के इन्हां दे पेरेंट्स नूं फोन करदी पई सीगी कि हाँ मम्मी इदा सी ये नशा करदे ने ते मैं इन्हां नूं एडमिट करवाता। उह तां सगों मेरे उत्ते मतलब कि इल्ज़ाम लांदे सीगे कि पता नहीं किहड़ा इहनूं नशा होर करन लाता, ते वो मैनू अंकल सुन रहे सीगे। मैं रो रो के फोन किया, मैं क्या मम्मी पैसे भेज दो मेरे को नहीं, मैं खुद भी भुखी तुरी फिर दी हाँ। अंकल आए मेरे को, उन्होंने मैंने 200 रुपया दिता, एवं ना जिमें एक रब ही सामने प्रकट होया सीगा, ते वो 200 रुपया दे के ना अंकल 2 मिनटा च पता नहीं कितने गायब हो गए। इस यह जी कि मेरे लोग मेरी मदद करते सी, घरद मेरी किसी ने मदद कर जरूरत समझी ना, मेरे खुद के माँ बाप ने ना मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने,
मैं खुद इन्होंने उत्थे एडमिट करवाया। चलो फिर हौली हौली इन्हों दवाई दवाई काम करना शुरू किया छड़ता। फिर उस तो बाद इन्होंने जो मैं देखा एंड ऑफ द लाइफ ये कि जब मैं इन्हों टीके लाते हुए देख लिया उस तो बाद मैं हरेक सामने लाया सीगा जे तुसी देख लिया सी उन्होंने लगाउंदे। मैं एक बार तो इन्हों जिमें असं किसी के घर गए हुए थे एवं पिछे जंगल बनया हुआ सी काफ़ी उत्ते ना मेरी मतलब कि दराणी की बेटी है रैलेटिवस के घर गए हुए थे असं उन्हों की छत के उत्ते ना थले खड़ के असं देख रहे थे कहते चाची अज उपर चलते हैं पिछे बहुत मतलब कि खेत खूत बड़े सोहने सोहने मैं क्या चल बेटा चलते हैं। जो तो मैं देखा ना मतलब कि ये पिछे बैठे तो कौली पानी लिया होया इंजैक्शन है फड़िया होया लाइटर इन्हों हाथ ना उन्होंने गर्म करके तो इन्होंने पानी की सरिंज भर के जो लाण लगे ना बस उस टाइम ही मेरी अखा अगे नेरा आ गया। मैं क्या मैं तो इन्होंने बचाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये तो मौत में खुद गल ला। जो ट्रीटमेंट चलता पाया नशा छड़ाऊ केंद्र तो बाद उदों देखा उस तो बाद देखा उस बाद देखा फिर इन्हों मैं नशा छुड़ाऊ केंद्र जमा करवाने तो बाद कि फिर उस टाइम मैं सोच लिया कि इंसान नहीं सुधर सकता। फिर मैं अपने मम्मी नूं दस्या मैं मेरा छोटा बेटा हदों वध बीमार हो गया सी इहनू की कहिंदे निमोनिया हो गया सी ते 24 आवर्स एडमिट रहा है मतलब कि एमरजेंसी दे विच असी इन्हां नूं रो रो के फोन किया कि अद्धा बीमार आ। फिर इन्होंने गड्डियां ते जाना शुरू करता मैनू अपने मैं मम्मी कोल चली गई सारा कुछ विक गया मैडम मेरे बैड की हरेक चीज़ जो मेरे मम्मी डैडी ने मैनू दिता सीगा इन्हां दे नशे दे चक्कर च मेरे बच्चे दोवें ही काफ़ी बीमार रहिंदे सीगे ते मेरे बच्चों के ट्रीटमेंट च मेरे कोल पैसे नहीं हुंदे सी फिर मैनू समान बेचना पैंदा सी ते उस तो बाद मेरा छोटा बेटा एडमिट होया एमरजेंसी वार्ड दे विच मेरे कोल इत्थों तक फोन असी रो रो के करते रहे कि आ जाओ बेटा बीमार आ इनू ट्रीटमेंट की लोड़ है पैसे जमा करवा दो। नहीं एक एक टीका यदा पाँच पाँच छे छे हज़ार रुपये का लग रहा सीगा बट ये हॉस्पिटल वाले ने मेरी मदद की जब उन्होंने पता लग्या कि सिंगल लेडी है ये कोई नहीं है भाभी ने बच्चा बड़ा बेटा रखिया से घर वह भी छड़ गए थे हॉस्पिटल के तो छोटा बीमार सेगा तो बड़े भी नाल ही छड़ गए कि दीदी असी नहीं इन्हू संभाल सकते इनू भी तुसी इत्थे संभालो। उस तो बाद मेरे इनसाइड ना मतलब कि बॉयल हो गया मैनू पता कि मैं दोनों बच्चों नू किवें संभालिया हॉस्पिटल दे विच मेरे लिए कोई रोटी नहीं कोई पानी नहीं। फिर मैं जदों नाल दे बैड वाले देखते दे हुंदे सी ना फिर उन्होंने घरों मेरे लिए रोटी आँदी हुंदी सीगी। चलो वो टाइम कढ तो लिया औखा सौखा पर अज कई बार जो याद आता ना मैं सब कुछ मैं सोचती हाँ कि सब का कोई ना कोई हुंदा कि मेरे लिए किसी का कोई फर्ज नहीं रहा सीगा कि मैं इन्नी बे अनाथ हो गई माँ बाप ले भी भैन भरावां भी ले भी सब का किया पर एंड टाइम तो कोई नहीं साथ दिंदा मैडम किसी का भी। अज के टाइम जो बस एक रब है जिदे सिर मैं अज मैं इन्नी स्ट्रोंग बन चुकी हाँ अज मेरे बच्चे भी चलो रब की दया नाल दोनों ठीक रहिंदे आ। उत्तों नर्स आई नर्स ने आके ना मेरे मुँह ते अख लग गई मैं तीन दिन सोई नहीं नर्स आई उन्हें आके ना मेरे मुँह ते चटक देने थप्पड़ मारिया नर्स ने आके मेरे कि मैं मेरी अख लग गई मैनू कहिंदे तुहानूं पता नहीं कि तुहाडा बेटा एमरजेंसी विच एडमिट है कि तुसी उठो। फिर उन्होंने नाल वाले बैड वाले ने दस्सिया कि मैडम इन्हां नाल कोई है नहीं तुसी थप्पड़ मार के बहुत वड्डी गलती कीती। तो फिर वो मैडम ना आई दूसरे दिन सवेरे सवेरे आई मेरे लिए खाना लैके आई नर्स उन्हें मैंने कुट के जफ्फी पाई जिन्होंने मारिया जिन्होंने मारिया सी मैनू कहिंदे दीदी सो सॉरी कि मैनू पता नहीं सीगा। फिर मैं उन्होंने कहा कोई गल नहीं मैं तुसी कल्या ने नहीं मैनू मारिया मैं मैंने तो शुरू तो ही वजदी आई हाँ मैनू इदा मारते होंगे सी ना जिहड़े सहुरे परिवार जो मैं व्याही व्याही गई हाँ जेडे जिन्हां नाल आपां डंगर बनते हैं उन्हां नाल बन के मैनू कुटते होंगे सी संगलां नाल पूरा परिवार कुटदा सी पूरा परिवार मेरे हस्बैंड का साथ दिंदे हुंदे सीगे कि इहनू मार इहनू कढ इत्थों इहनू राशन ना लिया के दे इहनू भुखी रख वो नशा करके कुटदे सी नशा करके वो मैनू मारदा हुंदा सी पैसे मंगदे हुंदे सी नशे वास्ते कदे मेरा मोबाइल चक के बेच देना जो मेरी सोने की चीज़ हुंदी सी वो चक के बेच देनी। चलो मैं हौली हौली बहुत कुछ बर्दाश्त किया। फिर मेरे मदर इन लॉ जदों देखण लग गए कि इहदा बहुत कुट खांदी आ मेरे मदर इन लॉ फिर मेरा साइड लैण लग गए सीगे वो फिर मेरा बहुत करदे सीगे कि नहीं कहिंदे कि कुड़ी स्ट्रगल करन वाली है इहनू असीं कुछ नहीं कहना। फिर हौली हौली ये गड्डियां ते जाण लग गया अपना नशा आप ही देखण लग गए कि मैं नशा करना आ ते मैं भी फिर हौली हौली जॉब करनी शुरू करती। मेरे मदर इन लॉ ने मेरे लिए प्राइवेट स्कूल च जॉब लभी उत्थे मैनूं 3,000 रुपया महीने का मिलता सी जिस दे विच मैं अपना अपने घर का हौली हौली हरेक चीज़ दोबारा बनाई
शुरू तो मतलब कि नवी शुरुआत शुरू की सौदा मेरे मदर इन लॉ फिर मैं लै दें सारे परिवार चो कले सस तुहाडी सपोर्ट करदी सी मेरी सस मेरी सपोर्ट करन वाली सी होर मेरा कोई सपोर्ट करन वाला नहीं सीगा इत्थों तक मेरी चाची सस मैनू पुछदी हुंदी सीगी तू उड़ना कदों आ तू जाना कदों पेके कद जाना मैनू ये गल्लां पुछदी हुंदी सीगी ते मैं फिर अपने मम्मी डैडी हुणां नूं कहिंदा मैनू कहिंदे हुंदे सी बनी मेरे लिए वर्ड्स यूज करदे हुंदे सी बनी और मेरी जठाणी ना मैडम मैनू बोलती होंगी सी मैं एससी कास्ट में बिलोंग करती हूँ जनरल कास्ट में मेरी मैरिज हुई सी इन्होंने खुद अगों मंग के मेरा रिश्ता लिया सी ते मेरी जठाणी जब मैं कुटदी मारती होंगी सी ना मेरी आ अंगूठे का जोड़ा नेल है मेरी जठाणी चब गई सी इनू मेरी सस ने मैनू बहुत औखा चढ़ाया वो तो बाल पुटने जिस तो बाद मैं कुटन मारन लई ना तलवार लैके मेरे पिछे दौड़ती होंगी सी उन्हें पेटी च तलवार रखी हुई सी और उन्हें तेज कराई सी कहती सी मैं इस मार देना ऐदा नफरत क्यों कर इन्नी नफरत ईवन कि जो खाना खाते सी ना मैनू खाना पता कदों देंदे होंदे सी जब सारे खा लेंदे सी उदों एंड च मैनू खाना देंदे सी हाँ और जे मैं स्कूल जाती सी मेरे लिए एडे एडे भांडे के ढेर रखे जाते होंगे सी कि आके मंजूगी और मेरे नाल बिल्कुल ऐ जिवें पछड़ी जाति वाले नाल किया नहीं जाता मेरे नाल इह जिहा बिहेवियर हुंदा सी पर मैं सब कुछ बर्दाश्त किया फिर एक टाइम इदा का आया मेरे मदर इन लॉ ने मैनू उन्हां तों अड करता फिर मैं थोड़ी जिंदगी जीनी शुरू की कि मेरे बच्चों का भी हाल हो इतों तक साढ़े मेरे बच्चे जे कि मटर पनीर बनता हों ना कहते होंगे सी जब सारे रोटी खा लेंगे तो उन्होंने बाद चो देवे मेरे बच्चे रोंदे होंगे सी मम्मा असी भी मटर पनीर खाना आ उस टाइम मैनू पुछ के देखो बच्चा साढ़े सामने चीज़ बनी हो बच्चा चीज़ मंगता हो माँ की इन्नी हिम्मत ना पवे कि वह बच्चे चीज़ दे दे पर अज के टाइम च मेरे बच्चे जो चीज़ मंगते हैं ना अज मैं इन्नी मतलब कि मेहनत कर रही हूँ इस टाइम मेरे को सब कुछ है रब का दिता सब कुछ है किसी ने मेरी बाँह नहीं फड़ी मेरे रब ने मेरी बाँह फड़ी है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता हाँ मेरे मदर अज भी मेरा बहुत करते हैं मैनू बुलाते हैं कि आ जा बट मैं अपनी भाभी तो डरती मारी घर नहीं जाती मेरी भाभी दो दो तीन तीन जाके दो तीन तीन महीने पेके जाके बह जाती कि मेरी नन दे मेरे घर आती है मेरे करके मेरी भाभी अपने पेके जाके बह जाती है कि मेरी इतों छड़ के जो तुम वापस गए उदो ये गल्ला शुरू हो गई हौली हौली शुरू हो गई कहिंदे हिस्सा लैन आ गई आ घर दे विच्चों मेरे डैडी ने दो फ्लैट खरीदे सी कि चलो एक चे रही जाऊगी मैनू डैडी कहिंदे चल बेटा कुछ नहीं तू थोड़ा थोड़ा किराया दे जाई तेरी हौली हौली असीं मदद करदे रहांगे पर मेरे भाभी ने मेरा जीना हराम करता मैडम मेरे भरा उंगलां लाणियां शुरू करतियां इन्ना मतलब कि कोई टाइम इदा का आ गया सी मेरे भरा ने मेरे बेटे के सिर ते गन रख ली सी आपदे सगे भरा ने सगे भरा ने अज के टाइम चो गल्लां सच्चियां है कि खून सफेद हो चुके आ ते मैनू घरों अद्धी रात नू 10:30 बजे मैं घरों निकली उस तो बाद मैं इन्हां दे घर जाके रहना शुरू करता हाँ जी फिर मैं इन्हां दे घर जाके रहना शुरू करता उदों तो असीं एक दूसरे नाल इकट्ठे काम कर रहे हैं एक दूसरे का साथ दे रहे हैं जिथे कोई दुख तकलीफ हुंदा किसे नू एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आके मेरे नाल दुकान ते मदद करते ने मेरे होर एक ब्रदर रखड़ी बन्नी हाँ मैं उन्होंने इस साल वह भी देखते ने फिर आ मतलब कि 5-6 दफ्तर ने जिन्हों में मैं सवेरे जाके साफ सफाई करती हाँ झाड़ू पोचा लानी हाँ बाथरूम भी वॉश करती हाँ देखो जो सच है सो सच है मैं गलत काम नहीं किया मैं चोरी नहीं की मैं मेहनत कर रही हाँ उस तो बाद फिर मैं आके अपनी स्टॉल पर भी मदद करवाती हाँ अज इन्नी स्ट्रगल करन तो बाद मेरी मनपसंद मैंने जॉब मिली है मैं एक ऑफिस के प्राइवेट जॉब कर रही हाँ नाल दे नाल आ भी काम कर रहे हो हुण भी झाड़ू पोचा करते हाँ जी हुण भी झाड़ू पोचा करती हाँ दुकान भी देखती हाँ सारा काम करके पहले झाड़ू पोचा ऑफिस च काम करके फिर जो टाइम मिलता एक मेरा एक घंटा मेरा लंच ब्रेक होंदी है मैनू वह लंच ब्रेक आके मैं उरे काम करवाती हाँ सारे मतलब कि इत्थे काम करवा के उस तो बाद शाम नू 9:30 बजे असीं फ्री हुंने आ उस तो बाद मेरे बच्चे जिहड़ी चीज़ कहिंदे आ उह मैं उन्हां नू खवांदी आ अच्छा तुसी दस दे कि सारा समान दुबारा तुसी अपना बनाउने आ हैना एक बार तुहानू फोन भी आउंदा है कि अपना घर सांभ लै पर जाके तुसी देखदे आ कि सारा कुछ बंड लिया हुंदा चक लिया हुंदा मेरी जठाणी ने खुद मैनू दिवाली तो पहला फोन किया कि आ जा तेरा कमरा चोर आ इनू ठीक ठूक करा ला मैं दीदी कोई गल नहीं मैं आ जाऊंगी फिर उन्हें की किया जिहड़ी मेरा घर का कमरे का ताला तोड़ के उहदे विच्चों मेरी वॉशिंग मशीन फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन उन्हें अपने पेक्या नू देती और जिहड़ा मेरा फ्रिज आदि एक छियाटे मामे की कुड़ी रहिंदी आ अमन अमन उन्हू देता और जिहड़ा मेरा कूलर सी उह इहने अपनी भाभी नू देता खाली करता समान कढ के और जिहड़ी मेरी अलमारी आ उह मेरी दराणी ने रख ली
और मेरे पेटी विच जिहड़े मेरे मम्मी ने मैनूं भांडा टिंडा जो दिता सीगा वह सारा इन्होंने कढ के आपस च बंड लिया कि मैनू इन्ना दुख हुंदा मेरे इत्थों तक मेरे कपड़े जिहड़े मेरे मदर मैनू दिंदे हुंदे सीगे 5-5, 6-6 हज़ार का सूट कि मेरे बच्चों के कपड़े कि कोटियां स्वैटर वह सारे कढ के इन्होंने आपस च बंड ले कि मैनू जद जाके मैं अपनी पेटी खोली मैं फरोली जद मैं देखा कि मेरी पेटी च मेरा समान की हैगा की नहीं हैगा उस दिन मैं इन्ना ज़्यादा मतलब कि दुखी होई मैं देखा कि मेरा समान नहीं हैगा विच ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ 2018 ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ 18 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 2018 ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਫਾਇਆ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾੜ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵੜਦਾ ਹੈ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੱਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ ਕਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗਿਓ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਦਾ ਸੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 8-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਲਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਡ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਫੇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਗਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਵਾਇਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ BP ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
अज बच्चे बड़े हो रहे ने क्योंकि असं सारी जिंदगी इदा सड़क ते ही रह जाएंगे। हसबेंड का कोई वो नहीं रह गया, कर दूगा फोन कि मैं आन लग्या, बच्चे रो रो के कहें पापा आ जाओ सानू मिल जाओ। नहीं ना, 4 साल तो कभी भी नहीं आए, कदे भी नहीं। जो कोविड सीगा जो सारे पास्य धक्के देने शुरू करते उदो 2 दिन आके साढ़े घर रह के गए ने कोविड के, कोविड के आके 2 दिन मेरे मम्मी पापा के घर रह के गए। उदो मेरे पापा ने अलाउ नहीं किया कि बेटा तू जा, फिर मेरे पापा नूं गुस्सा आ गया सीगा कि मेरी कुड़ी इदा मर मर के वह कर रही है कि तू अज की लैन आया है। मैनू इत्थे कई लोग बोलते ने यह जहाँ टाइम आ 1700 रुपया देना सी राशन वाले का, और राशन वाले ने मैडम मैनू पूछ के देखो अद्धी रात मैं अपने बेटे नूं लभदी लभदी गली च चली गई। उन्हें मेला तो मेरी एक्टिवा की चाबी लाई, एक्टिवा की चाबी ला के मैनू कहिंदा आ जा दुकान पर आ जा। मैं दुकान पर चली गई, 3 जने से दुकान पर, तो एक मुंडा लड्डू उन्हें कैमरा ऑफ करता ने मेरे मुँह ते वट वट के थप्पड़ मारे। मैं जिवें सीधी खड़ी सी ढिड च लत्त मारी, मुक्के मारे सिर च। जिस तो बाद मैं 2 दिन हॉस्पिटल एडमिट रही, मेरी डॉक्टर वालों ही मेरी FRI दर्ज कर दी गई सी। फिर मेरे को ASI आए थाने तो, पर एंड च मैडम यह होया उन्हें भी समझौता ही करवाया, किसी ने मेरी कोई मदद करन दी नहीं, सगों मैनू डराण लग गए असी आ करांगे वह करांगे, कैमरे विच तां आया नहीं हैगा। मैं कहा मैं खुद गवाह आ, और उत्थे छोटे छोटे बच्चों ने जिन्होंने देखा सी ना उन्होंने घर जाके दसिया कि आंटी नूं अंकल ने इदा मारिया, बट ये डरदा मारिया कोई अगे नहीं आया, किसी ने दसन की जरूरत ही नहीं समझी। पर अज भी मेरी उंगल ना आटा गुंदे हुए जब मैं आटा गुंदी हाँ इदा मुड़दा नहीं हाँ हथ मेरा, और मैं उस टाइम अंदरों मेरे बदवा निकल दी कि मैं तो आप कमा के खा रही सी। 1700 रुपये ही 10,000 रुपये जो मैं हौली हौली करके देता सी मैं 1700 रुपये भी दे देना सी, पर मैनू मारन की जरूरत पी। मैं वीर जी तो अलावा किसी नूं अज तक एक शब्द भी अपनी बोली हैगी कि मैं वीर जी तो किसी नूं भी बोलदी होवां कि हाँ मैं किसी नूं गंदी निगाह नाल देख रही हाँ जां कुछ। मेरे बच्चे देखते ने मेरे नाल, जब मैं झाड़ू पोचे लैन जाती हाँ ना मेरा बड़ा बेटा जाके मेरे नाल कई बार कम करवाता आ। मेरे बच्चों को कोई मेरे बैक ऑफ मी मेरे बच्चों नूं पुछ के देखे कि तेरी माँ की करन जाती है। मेरी भाभी ने मेरे ते ये दोष तक लाए कि मैं धंधा करन जाती हाँ, उस टाइम मेरे दिल से की बीती होगी। मैं अज तक किसी को दस नहीं सकती, मैं इन्नी मतलब कि इन्ना कई बार गुमान आता ना दिल च कि मैं रोवां तां किहदे कोले बह के रोवां। मैं ना जब जानी हाँ मैं अपनी माँ कोले तक बह के नहीं रो सकती, नाल दी नाल भाभी कन्न ला के खड़ जूगी कि की गल्लां कर रहे हैं। मैं अज इन्नी मतलब कि अंदरों भरी बैठी हाँ कि मेरा भी कोई अपना हुंदा जिहदे गल ला के मैं रो लैंदी। रातां नूं मैं रब दी फोटो नूं ला के ना गल मैं रब नूं याद कर करके रोनी हैगी, रब्बा कि कोई इह जिहा होवे कि जिहदे कोल मैं भी रो सकां। बच्चे कोल रोनी फिर बच्चे अगों कहिंदे आ कि ना मम्मा जे तुसीं रोने साडे दिल नूं कुछ हुंदा आ, तां करके हुण रोना ही छड्डता सीगा। इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई सीगी कि मैं रोना ही छड्डता कि ना हुण रोना नहीं। जिंदगी च बहुत रो रो देख लिया, अज दे टाइम च मैं इन्ना कु कमा रही हाँ कि मैं अपने बच्चों नूं आने वाले टाइम च प्राइवेट स्कूल च पढ़ा सकूँगी। गवर्नमेंट स्कूल च जाते ने कई बार दुख हुंदा मेरे बच्चे, जिस दिन एक बार मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल चो पढ़ते पढ़ते 1 लखत असी बिल्कुल थले आ गए। कोई टाइम से बच्चों को कपड़े नहीं सके, भाभी ने कहा कि अपने बच्चों की टीशर्ट दे दे, जब मेरे को पैसे आ गए मैं तेनों नवे लिया दूंगी। भाभी कहती है ही नहीं, फिर कि मैं हौली हौली दुकान काम करना शुरू किया। मैं अपने बच्चों हूँ हर महीने कपड़े लैके दिनी हाँ, हूँ उही भाभी अज कहती है दीदी तुम हर महीने इन्हों कपड़े लैके देंगे हो, ये संभाल के नहीं रखते। मैं क्या कोई टाइम सगा जब इन्हों को है नहीं सी, अज इन्हों को है तो संभालते नहीं कोई गल नहीं। मैं क्या माँ के सिर ते ऐश कर रहे ने कर लैन दो। मैं फिर अगों ये जवाब दे दिनी हाँ, सगों फिर हूँ उन्होंने भी कुछ ना कुछ लैके जाती हाँ। उही भाभी अज के टाइम च मेरी कदर करती है, उही भाभी अज के टाइम च गलबात हैगी बोलती है, बट फिर भी मैनू कई बार कुछ याद है जा जाता कि मन अंदरों दुखी हुंदा, पर फिर भी भुलन की कोशिश करती है कि ना ये कर जान मेरे तो ना होवे कि मेरे तो रब ने मेरी अगे होके बांह फड़ी हुई है। मैं किसी नूं क्यों कहना, मेरे पेरेंट्स नूं भी कई बार बहुत लोग इदा दे ने जिहड़े मेरे लिए मतलब कि बहुत अप शब्द बोलते ने, पर मैं सुन लैनी हाँ। मैं कहनी शब्द बोल कि ये करैक्टर वाइज गलत है, मैं क्या कोई गल नहीं वह रब जानता आ। जिस दिन का वह बंदे ने मैं कुटिया मारिया ना राशन वाले ने, उस दिन तो बाद मैं होर स्ट्रोंग होगी। हूँ मैं
एक सोच लिया सीगा, उन्होंने मैनू सगो पैसे देने से थाने दे विच समझौता करके 10,000 रुपया दे के छुट्टे सीगे। फिर पर अज दे टाइम च बंदे नू ए तां होना चाहिए कि लेडीज लई इन्ना हो गया जे अगर कोई अपना कमा के खा रहा कि उन्हूं जीण दा हक नहीं हैगा कि वा जे अगर कोई जननी रोड ते बैठी हो गलत ही आ, सही नहीं हो सकती। अगर औरतां बाहर अज एक पासे कहने कि औरतां लई आजादी होगी, कादी आजादी है? शरेआम तो लोग जनानियां नू कुट रहे ने। आ हुण मनदीप कौर है जिहदा घर वाला कनेडा विच कुड़ी मरी आ, जदों बेचारी रोंदी सी कुरलाउंदी सी उदों तां उहदी कोई मदद करन लई अगे नहीं उठिया, अज सारे मगरों उहदी मदद करन लई किन्ने लोग उठ गए। उसे टाइम उहनूं आखिर नूं मजबूर करता मरन लई। मैं भी कई बार सोचदी हाँ कि मैं मर जा, अपने दोनों बच्चे अपने नाल बन के मैं नहर च छाल मार देवां, पर नहीं, मैं एक टाइम आया भी सी इहो जिहा, मैं इन्हां नूं लै के चली गई सी, पर मेरे बच्चे मेरी लत्तां नूं चिंबड़ गए। कहिंदे मम्मा जी ना साढ़े करके जीन की कोशिश करो, मेरे बच्चों ने मैनू एक गल कही, साढ़े करके जीन की कोशिश करो। मेरी जठाणी ने मैनू इन्ना कुट्टिया मारिया सी ना, एक टाइम इहो जिहा आया सी मैं जहर खा भी ली सी, जहर खा के मैं गुरु घर जाके पै गई सी। मैनू इन्ना उहने कुट्टिया मारिया, मेरे हाथ ना मतलब कि आह मेरी जिहड़ी बाह आ आ मोढे दे उत्ते भांडे वाले छानने मारे, बहुत कुछ इहो जिहा मेरे नाल कीता कि जिहड़ा कई वारी हुण भी मैं लेटे लेटे सोचदी हाँ ना, मेरे लू कंडे खड़े हो जाते हैं कि हाए मैनू हुण। मेरा हसबेंड कहिंदा कि तू उत्थे चल के रह, दुबारा मैं नहीं जा सकती, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हाँ, मैं कुटमार नहीं हुण बर्दाश्त कर सकती, मैं उत्थे नहीं जाती। जे उहने सानू कुछ भी लैके देना, जे रखना साढ़े नाल इत्थे आ के रवे, मैं अपने बच्चे का खर्चा आप करन लई तैयार हाँ, पर मैं उत्थे जाके रहण नू तैयार नहीं। मैं अपने जिंदगी दे 5-6 साल उत्थे इहो जिहे कट्टे ने ना, जिवें एक कैदी जे जेल 'च भी बंदे नाल थोड़ा वधिया व्यवहार हुंदा आ, पर उत्थे दा मेरे नाल उस तों भी बुरा व्यवहार हुंदा सी। मैं उत्थे नहीं जाना हैगा, मैं इत्थे रह के अपने बच्चे, चाहे मैं गंदी हाँ चाहे मैं कुछ भी हाँ, मैं अपने बच्चे पाल लूँगी, पर मैं अपने सहुरे घर वापस जाने लई तैयार नहीं हैगी। मेरी ननद तक नूं मैं फोन कर करके कहनी हाँ कि दीदी इदा इदा अस, कई बार इदा का टाइम आता बच्चे रो रो फोन करते हैं किताबा कापियां लई, बच्चों नूं तद किते एक बार रोन ते पैसे पा के दिते जांदे। जेल चो छुट्टे हो अज, बेशक मेहनत करनी पैंदी है, भज जोड़ लगी रहिंदी है, सवेरे उठदे हो अख मीटन तक सफ़र जिहड़ा हैगा चलदा ही रहिंदा, बड़ी मेहनत हुंदी है, सारा संघर्ष कर रहे हो तुसीं, पर खुश हो कि उस जेल चो छुट गए? बहुत। उस टाइम तो बाद ना मैं अपनी लाइफ नूं जीना शुरू किया आ, चाहे मेरे नाल घर वाला नहीं हैगा, मैनूं कोई दुख नहीं हैगा, मैं अपने बच्चों का माँ भी खुद हाँ बाप भी खुद हाँ, हरेक जगह पर मेरे नाल जाते हैं, हरेक जगह पर नाल आते हैं। जिस दिन मैं छुट्टी होंगी है उस दिन मैं इन्हों बाप हूँ, जिस दिन मैं काम कर रही हूँ उस दिन भी बाप हाँ, हाँ माँ इन्हों मैं उस टाइम होंगी जो मैं इन्हों खाना खवाना पैना हों, मैं इन्हों सब कुछ आप हाँ, इतों तक रखड़ी भी ऐतकी इन्हों मैं बनी हाँ। मेरा बेटा ऐतकी दुकान पर गया कहता साड़ी तो भैन ही नहीं हैगी, फिर मेरा बड़ा बेटा कहता कहता मम्मा है तो है कि सब कुछ इन्हों का मैं आ, भूआ ताई चाची सारे रिश्ते मैं ही इन्हों का अज के टाइम च, कि कोई साडा अपना नहीं है कि असी कह दिए कि साडा कोई अपना है ना, सारे मर गए जोंदे जी सारे खत्म ने। अज जो भी अपने बच्चे लिए मैं आ ना, मैनू किसी तो कोई आस है कि हाँ कोई आके मैनू दऊगा, सगों मेरे तो उम्मीद रख दे कि सानू दे दूगी। चलो मैं रब का शुक्र करती हाँ इन्ना कि मैं देण जोगी होर हो जावा, कि आने वाले टाइम च मैं अपने इन्ने ढाबे तो इन्ना उपर जावा कि मैं जेडे गरीब मेरे वर्गियां गरीब भैन होणगियां ना, जिहड़ियां पुअरलैस होणगियां, कई बार मेरे दिल चाहुंदा कि मैनू रब इन्ने जोगा कर दे कि मैं जिहड़ियां इस सड़कां ते बैठियां मैं उन्हां नूं कहां कि आओ आपां मिलके कोई काम शुरू कर दे। कई बार मैं इदा सोचती हाँ कि रब मैनू इन्नी क हैसियत कर दे मेरी कि जिहड़ी भैन दर दर धक्के खा रही है ना, उन्हां लई मैं कोई इहो जिहा मुकाम बना ला कि उन्हां लई मैं एक घर अपने घर कर लवां। हुण भी जिथे मैं काम करदी हाँ उत्थे कुड़ियां कुछ इदा दियां हैगियां जिहड़े मैनूं कई बार दसदियां ने, फिर उन्हां नूं मैं गाइड करदी हाँ कि बेटा ना मैं ग्रैजुएशन कीती हुई आ, मैं कहा अज मैं ग्रैजुएशन करके झाड़ू पोचे लाउण जा रही हाँ, पर मैं किसी तो मदद नहीं मंगी। इहो जिहे बण जाओ, अपनी स्टोरी दसो ना किसी नूं तो अगला थोड़ा अगला फायदा चक्कन की सोचूगा, इदा नहीं करना। जो हैगा जिन्ना क रब ने दिता ये खुश रहो, कोई टाइम से साढ़े को आटा नहीं हुंदा सी, मैं अपने बच्चे गुरुद्वारे मंदिर ले जा पाल ले, पर किसी के घरों रोटी नहीं मंगने गए सी।
झाड़ू पोचे ला ले पर किसी नूं नहीं कहा कि असीं भुखे बैठे हाँ, नूण नाल रोटी खा ली पर किसी नूं नहीं कहा कि असीं भुखे बैठे हाँ, आप खादा आप ही कमाया आ। सपना की हुण? मेरा सपना है कि मैनू रब इन्ने कु जोगा कर दे कि मैं अपना घर बना के अपने बच्चों नूं सिर ते छत देवां ते अपनी मम्मी नूं अपने कोल रखा। मेरे मम्मी इस टाइम बहुत दुखी ने मेरे करके, तो मैं चाहती मैं अपनी माँ नूं जिउंदे जी अपना घर दिखावां कि देख माँ मैं सुखी बैठी हाँ, मैं अपने जोगा कर लिया, मैं अपना घर बना लिया, कि तैनू पुत ने नहीं वह सुख दिता तैनू मैं वह सुख देऊंगी। मेरे मम्मी मैनू कहंदे ने कि तू अपना घर आप लै मेरे जिउंदे जी, रब बस मैनू इन्नी कु रब अगे अरदास है मेरी कि मैनू मेरा घर मिल जाए, मेरी मेहनत दे सिर ते मिल जाए। तुहाडे जज्बे नूं तुहाडे संघर्ष नूं साडा सलाम है। असीं चाहुंदे कि जिहड़ा तुहाडा सुपना वह पूरा हो जाए, तुहाडा अपना घर हो जाए, इत्थे तुहाडा वधिया काम चले, बच्चे पढ़ लिख जाण, कुछ बन जाण। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात कीती सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਗੀ ਕੀ ਪਿਆਉਂਗੀ, ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 76 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।